हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द इंग्लिश क्लास नाउ लेट स्टार्ट लेसन थर्ड विच इज़ द मिडनाइट विजिटर फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट स्पाई बिकॉज दिस स्टोरी इज अबाउट अ डिटेक्टिव एंड अ स्पाई डिटेक्टिव के बारे में है जिसे हम स्पाई भी बोल सकते हैं जिसे हम सीक्रेट एजेंट भी बोल सकते हैं तो जैसे कि नाम से पता चलता है हमारे आगे एक पिक्चर आ जाती है हम इमेज करते हैं कि जो सिकट एजेंट होते हैं जिन्हें कि हम मूवीज़ में देखते हैं जो सिकट एजेंट होते हैं आ, कि वो कैसे होते हैं हम देखते हैं कि मूवीज़ में कि वो बहुत ही शार्प होते हैं शार्प माइंड होता है एक्टिव होते हैं कनिंग होते हैं टॉल होते हैं थिन होते हैं और उनके हाथ में गन रहती है तो हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है कि जो एक स्पाई होते हैं वो इस टाइप से होते हैं लेकिन इस चैप्टर में क्या है कुछ डिफरेंट है इससे अपोजिट है कैसे द मेन करैक्टर ऑफ दिस ऑफ दिस चैप्टर इज ऑजवेल ऑजवेल जो है इस इस चैप्टर का एक मेन करेक्टर है जो कि बाय प्रोफेशन क्या है स्पाई है तो वो जो ऑजवेल है वो डिफरेंट कैसे है ही इज़ ए क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल स्पाई क्योंकि वो ना ही तो देखने में क्या है आ, थिन है ना ही वो क्या है कि टॉल है वो फैट है थोड़ा सा फैटी है छोटे कद का है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता और ना ही मतलब कि वो कहीं से बाई फेस है जो कनिंग नहीं लगता है विटी नहीं लगता है एक्टिव नहीं लगता तो ऐसे लगता कि शायद ये एक अच्छा डिटेक्टिव नहीं होगा तो इसका एक अदर क्रैक्टेर है जिसका नाम है फाउलर तो वो फाउलर जो है एक यंग राइटर है रोमांटिक राइटर है तो जो फाउलर है ही इज हिज डे विद स्पाइ तो वो अपना साथ इसलिए स्पेंड करना चाहता है ओसवेल के साथ आ, कि उसे लगता है कि अगर मैं इस डिटेक्टिव के साथ अपना डे स्पेंड करूँगा तो मुझे अपनी स्टोरीज़ के लिए कुछ नया मिलेगा वो चाहता है कि मैं इस डिटेक्टिव के साथ रहूँ और अपनी स्टोरी में कुछ नया डालूँगा तो वो देखता है कि जहाँ पे डिटेक्टिव रहता है ओसवेल रहता है वहाँ जाता है बट उसे वो जगह जो है अट्रैक्टिव नहीं लगती है तो और उसकी जो लैंग्वेज है जैसे उसे लगता है कि एक की लैंग्वेज होनी चाहिए वैसी नहीं है उसको रहने का तरीका अपियरेंस जिसे बोलते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता उसे तो वो एकदम से टोटली क्या डिसअपॉइंटेड हो जाता है और यही नहीं जो ओजवल है वो भी महसूस कर लेता है कि जो फॉलोअर है वो मुझसे क्या है इतना इम्प्रेस नहीं है वो मुझसे डिसअपॉइंटेड है उसको लगता है कि मैं एक डिटेक्टिव जैसा नहीं लग रहा हूँ वो जान भी लेता है इसका एक थर्ड कैरेक्टर और है जो कि मैक्स है और वो अभी क्या है स्पाई है वो भी डिटेक्टिव है तो इसमें जो लास्ट में है बहुत ही कनिंग वे से हमें पता चलता है कि जो ऑजल है वो कैसे अपने काम को अंजाम देता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट ये तो इसके बारे में हम जानेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द राइटर राइटर कौन है हम उनके बारे में पढ़ेंगे वी विल रीड अबाउट द राइटर रॉबर्ट ऑर्थर तो देखिए हम रॉबर्ट ऑर्थर के बारे में पढ़ते हैं रॉबर्ट ऑर्थर वाज एन अमेरिकन राइटर ऑफ मिस्ट्री एंड स्पेकुलेटिव फिक्शन स्पेकुलेटिव फ़िक्शन क्या होता है कि जो है वो रियल वर्ल्ड से हट कर जो है वो लिखते हैं मतलब कि इमेजनरी की दुनिया में बहुत ही अंदर खो जाते हैं तो इसके लिए वो फेमस है ही इज़ फेम रेस्ट ऑन द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज एंड हीज़ थ्री इन्वेस्टिगेटर सीरीज ऑफ नावल हीज़ स्टोरीज वू आर पब्लिश इन मैनी मैगजींस बिटवीन नाइनटीन थर्टी एंड नाइन्टीन फोर्टी ही ऑल्सो रोट मिस्ट्री बुक्स फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो कि मिस्ट्री के ऊपर है रहस्यमयी हैं और बच्चों को वैसी मिस्ट्री जैसी जो चीज़ें हैं रहस्यमयी चीज़ें जो है बच्चों को पसंद आती है ही वॉज़ ट्वाइस ऑनर्ड बाय द मिस्ट्री राइटर ऑफ अमेरिका दो बार उन्हें सम्मानित भी किया गया था विद हीज राइटिंग पार्टनर एड्रिक एडगर सॉरी एडगर उनके राइटिंग पार्टनर थे उनके साथ उन्हें सम्मानित किया गया था द मिड नाइट विजिटर इज़ ए स्टोरी अबाउट द विटी सीक्रेट एजेंट नेम्ड ऑजबल जो कि बाई पेयरेंस हमें दिखते नहीं हैं कि वो विटी है या कहीं से कनिंग हमें नहीं लगते हैं और जो कि जो हमारे सेकेंड इसके जो करेक्टर है वो भी क्या है इससे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं उन्हें लगता है कि ये विट्टी नहीं है तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेसन ये कुछ वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट इन्हें आप लर्न कर कर लीजिएगा और आप राइट right भी कर सकते हैं इन्हें Oswell did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down, down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a sitting for a romantic adventure. Oswald was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passively, passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston twenty years ago. You are disappointed, Oswald said. Weasley, over his shoulder, you were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger you wished to meet me because you are a writer young and romantic you envisioned mysterious figures in the night the crack of pistol drugs in the wine osbald. फॉलोर द्वारा पढ़े गए किसी भी जासूस के विवरण के अनुसार सही नहीं बैठता मींस मीन्स ने जैसा पढ़ा था उस बल के बारे में लेकिन उसे वो वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसा स्पाई को होना चाहिए वह उसकी तरह नहीं लग रहा था फॉलोर एक फ्रांसीसी होटल के दुर्गंध वाले गलियारे में जहां औसबल का कमरा था उसका पीछा करते हुए निराशा निराशा महसूस कर रहा था मीन्स वो पीछा तो कर रहा था बट उसे लग रहा था कि शायद मुझे कुछ खास मिलने वाला नहीं है वो डिसअपॉइंटमेंट हो डिसअपॉइंटेड हो गया था मतलब फिर भी उसका पीछा कर रहा था क्योंकि एक दुर्गंध वाली जगह पे वो रह रहा था तो उसे वो एक अट्रैक्टिव जगह नहीं लगी उसे लगा कि जो स्पाई है वो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए उसे बट फिर भी वो करता रहा पीछा यह एक छोटा कमरा था जो कि छठी और सबसे ऊपर की मंजिल पर था और यह एक रोमांचकारी व्यक्ति के लिए सही जगह नहीं थी उसे लगा कि क्योंकि क्यों जैसे कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं तो जो एक डिटेक्टिव होते हैं उनके रूम बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं हमें तो उसे उस टाइप का वो रूम नहीं लगा ओसबल एक बात है मोटा बहुत मोटा था जो कि उसे लगता है कि डिटेक्टिव को मोटा नहीं होना चाहिए और फिर उसके बोलने का अपना ढंग एक अलग ही ढंग था यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा ठीक ठाक बोल लेता था फिर भी उसने अमेरिकन बोलने का ढंग नहीं छोड़ा था जो वह बीस साल पहले बॉस्टन से पेरिस लाया था तुम निराश लगते हो ओसबल ने अपने कंधे के ऊपर से कहा ओसबल जो था समझ गया था कि जो फाउलर है वो निराश है तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ एक जासूस हूँ जो जासूसी और खतरों के काम करता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांचकारी लेखक हो तुमने रात में रहस्यमय आकृतियाँ बंदूकों की आवाज जो तथा शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना की होगी वो कह रहा है कि भी तुमने ये कल्पना की होगी कि इस टाइप से होगा मैं एक जो में आकृतियाँ होंगी बंदूकों की आवाज आएगी मेरा रूम अलग से होगा शराब मिलेगी कुछ दवाइयाँ मिलेगी जैसे एक डिटेक्टिव के रूम में होता है तो तुम्हें लगा कुछ ऐसा होगा Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with the sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosik means, means sadharan, parasik telephone call, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chucked to himself. As he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated, frustrated guest enter, Chandrahota, thaga gaya ho "You are disillusioned," Oswald told him. "But take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper." For वरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्कड देअर लाइफ कम टू मी समे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दैट इज ड्रामा थोट इज ड्रामा इज देयर नाट इसके बजाय इसके बजाय तुमने फ्रेंच संगीत कक्ष में एक मोटे लापरवाह लापर व्यक्ति के साथ निरस निरस शाम बिताई है तो वो कहता है कि तुम्हें मतलब कि मुझे मेरे साथ मैं एक मोटा हूँ और एक फ्रेंड संगीत कमरे में मेरे साथ शाम बितानी पड़ी तो मुझे लगता है कि तुम हैप्पी नहीं हो सेटिस्फाई नहीं हो जिसके हाथों में काली आंखें आंखों वाली सुंदरियों के हाथों संदेश आने की बजाय मीन्स जिसके हाथों में कोई काली आंखें वाली कोई सुंदरी आएगी उस वो कोई संदेश लेके आएगी उसकी बजाय मिलने का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण टैनली फ़ोन संदेश आते हैं मीन्स वो कहता है कि जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कोई लड़की है वो संदेश लेके आती है तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है कि सिर्फ़ एक एक नॉर्मल कॉल मिल रही है कॉल के जरिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं तुम उब गए हो मुझे दिख रहा है मोटा आदमी स्वयं हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका निराश मेहमान अंदर आ सके मतलब वो उसको बोलता भी जा रहा है उसे बता भी रहा है कि मुझे पता है तुम निराश हो तुमने ये सोचा था कि मेरे रूम में कोई लड़की आएगी उसके थ्रू कोई मैसेज आएंगे बट तुमने अब देखा है कि सिर्फ साधारण सी फ़ोन कॉल आते हैं और उसके जरिए मुझे मैसेज मिल रहे हैं ऑर्डनरी कॉल्स आती हैं तुम्हारा भ्रम जो है वो क्या टूट चुका है तुम्हारा जो तुम्हें इल्यूशन था वो तुम्हारा भ्रम टूट गया है ओजवल ने उसे बताया लेकिन मेरे युवा मित्र खुश रहो उसे कहते हैं कि खुश रहो अब तुम एक दस्तावेज देखोगे उसने क्योंकि इस लैसन में एक दस्तावेज एक इंपॉर्टेंट पेपर की भी बात होती है उस पेपर को लेने के लिए जो एक मैंने बताया था आपको मैक्स एक अदर करैक्टर है वो भी उस पेपर के लिए यहाँ पे आता है तो इसलिए ओसबल जो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दस्तावेज एक पेपर जिसे तुम देखोगे वह दे बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो बताता उसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है है जिसके लिए कई पुरुष और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल रखी है तो ओजवल उसे कहता है मेरे पास आओ किसी दिन जल्द ही वह कागज इतिहास को प्रभावित कर सकता है उस विचार में नाटक है और क्या नहीं है उस विचार में नाट सॉरी वह कहता है कि कई पुरुष और जो महिलाएं हैं अपनी जान जोखिम में डाल रखी है मतलब उस दस्तावेज को पाने के लिए कई ने अपनी जान जा, जान जो है जोखिम में डाल रखी है वो कहता है कि मेरे पास आओ तो उसको उसे बुला रहा है तो वो कहता है कि कि वह कागज इतिहास को प्रभावित कर सकता है और उस विचार में नाटक है क्या नहीं तो इतना ही वह बोलता है एज ही स्पोक वॉज वेल क्लोज द डोर him. देन ही switched ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन फॉलोअर हैड his फर्स्ट Authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Oswald blinked a few times. He blinked blink Max, he whizzed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? जैसे ही वह बोला ओसबल ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे वो दोनों उसके रूम में आ गए थे मीन्स ओसबल और जो फाउलर था वो ओसबल जो था का को अपने रूम में ले आता है और जैसे लाने के बाद वो गेट का जो गेट है बंद कर देता है ओसबल तब उसने क्या बत्ती जुलाई ओसबल ने जैसे ही रोशनी आई फॉलर ने दिन का अपना पहला सच्चा रोमांच देखा मीन्स पूरे दिन तक फॉलोर ने कुछ नहीं देखा तो डिसअपॉइंटेड था वो कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला रोमांच लेकिन जैसे वो रूम के अंदर आए और ओजवल ने रूम को बंद किया तो और उसके बाद उसने जैसे ही ओजवल ने लाइट ऑन की तो उसने अपना पहला रोमांच देखा उसने क्या देखा कमरे के बीचों बीच में एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक छोटा सा सो चालीस मिश ऑटोमेटिक पिस्टॉल था और वो उसको लिए हुए खड़ा था तो अब जो फॉलोअर था उसको कुछ अच्छा लगा ओजवल ने कई बार आँखें छपकाई छपकाईज ने मैक्स वह लंबी सांस से लेते हुए बोला तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटल लेस देन टॉल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द पॉइंटेड अ फॉक्स सॉरी countenance of a fox there was about him aside from the gun nothing especially menacing the report he murmured the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles i thought i would take it from you i will be safer in my hands than in yours so, मैक्स दुबला पतला छोटे कद का था और उसका चेहरा लोमड़ी की तरह दिखाई देता था उसके हाथ में बंदूक का बंदूक को छोड़कर वह खतरनाक नहीं दिखाई देता था मीन्स सिर्फ उसके हाथ में जो एक बंदूक थी वही थोड़ी सी डेंजरस लग रही थी खतरनाक लग रही थी बाकी वैसे अपीयरेंस से वो जो था कहीं से खतरनाक नहीं दिखाई दे रहा था हाँ क्योंकि वो छोटे कद का था बट लोमड़ी की तरह वह चलाक ज़रूर दिख रहा था सूचना वह बड़बड़ाया सूचना जो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है आज तुम्हारे पास आ रही है मैंने सोचा मैं यह तुमसे ले लूँगा मैक्स कह रहा है कि मुझे लगा कि मैं तुमसे सूचना को ले लूँगा यह तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में सुरक्षित होगी मैक्स जो है ये बात ओजबेल को कहता है क्योंकि ओजबेल ने जैसे कि पहले बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके लिए काफ़ी जो मैन और वुमेन जो है उसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही थी जिन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी बट जो मैक्स अब ये कह रहा है कि वो पेपर मुझे चाहिए और वो तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में सुरक्षित होगा तो इसलिए जो मैक्स है वो पेपर लेने के लिए ओसवल के रूम में पहले से ही आ चुका होता है इसलिए अब वो गन को दिखा के ओसवल को गन को दिखाता है पॉइंट आउट पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे वो पेपर चाहिए तो तुम मुझे वो पेपर दोगे ओके Boswell moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the jewel with the management this time. I was I am angry, he said grimly. Hota hai se. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nonsense of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. इट वॉज एन ऑर्डीनरी विंडो अंगेस्ट विच नो द नाइट वॉज प्रेजिंग बाल्कनी मैक्स आस्ड में उसने पूछा क्रिजली नो आई हैड पासकी आई डेंट नो अबाउट द बालकनी इट माइट हैव सेवड मी सम्रबल हैड आई नो अबाउट इट आसबल एक आराम कुर्सी की ओर गया और धम से बैठ गया मैं इस बार प्रबंधकों के सामने यह समस्या उठाने जा रहा हूँ मैं गुस्से में हूँ उसने गंभीरता से कहा यह महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति उस उस कष्टकारी बालकनी, बालकनी से मेरे कमरे में घुसा है तो आजवल जो है कहता है कि मैं भी नीचे मैनेजमेंट वाले हैं जो उन्हें कहूँगा जो प्रबंधक है कि मेरे रूम में जो लोग हैं उस बालकनी से घुस रहे हैं तो कुछ कीजिए फॉलोअर की नज़र जो थी कमरे की अकेली खिड़की की ओर गई यह एक सामान्य खिड़की थी जिस पर अब रात का दबाव पड़ रहा था अर्थात अंधेरा बढ़ रहा था मींस जिस बालकनी की ओसबेल बात कर रहा है एक्चुअली वो बालकनी थी ही नहीं वहाँ पे सिर्फ एक विंडो है विंडो के नीचे कोई भी बालकनी नहीं है तो जो ओसबैल है वो यूँ कह रहा है कि मैं होटल वालों को कहूँगा कि इस रूम में जो बालकनी है मुझे यहाँ से परेशानी हो रही है यह सेकेंड टाइम है कि कोई मेरे रूम में घुस आया है तो इसे उसे बहुत हैरानी होती कि फिर वो जो मैक्स है वो सोचता है कि क्या मैं बालकनी से भी तो आ सकता था बट वो कहता है कि बालकनी मैक्स ने उत्सुकता से पूछा नहीं मेरे पास तो एक गुप्त चाबी थी मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था यह मुझे कुछ मुसीबतों से बचा सकती थी अगर मुझे इसके बारे में पता होता मीन्स मैक्स कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि हाँ कोई बालकनी भी है अदरवाइज़ मैं दूसरी की लेकर आया हूँ तो मैं बालकनी से ही आ जाता बट स्टूडेंट यहाँ पे जो है ऑसबल जो है एक चलाकी कर रहे जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ जब तक कि इस, को, इस लेसन के जितने भी वर्ड मीनिंग है आप उन्हें अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं और लर्न तो आपको ज़रूर ही करना है ओके